धर्मनगरी हरिद्वार के कनखन स्थित जगतगुरु आश्रम के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम को एक धमकी वाला पत्र मिला है। पत्र की भाषा हिंदी है, पत्र कविता के रूप में लिखा है। पत्र में अंतिम में तालिबान लिखा गया है। महामंडलेश्वर स्वामी राजराजेश्वर आश्रम को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा मामले में एक टीम का गठन भी किया गया है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही धमकी भरे पत्र की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम संघ और बीजेपी से जुड़े बड़े संत हैं। उनको धमकी भरा पत्र मिलने से हरिद्वार पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस हर पहलू से धमकी भरे पत्र की जांच कर रही है। पुलिस की जांच का विषय यह है कि आखिर यह पत्र किसने और क्यों भेजा है। शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम को यह धमकी भरा पत्र डाक से भेजा गया है। इससे हिंदू डर जाए, हिंदू के अंदर जो थोड़ी बहुत पिछले दिनों एक स्वाभिमान जगा है, वो स्वाभिमान उसका खत्म हो जाए, भय के वातावरण में आ जाए। भय उत्पन्न करना उनका उद्देश्य है। तो सन्यासी का लक्षण अभय होता है। तो हम कोई उससे डरते नहीं हैं। जो प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग सूचना पुलिस को दे। अभी एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है, जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जिस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसी प्रकार की। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।